हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सर्जी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रुप डी एग्जाम्स में 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम बाद में है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएँ। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रुप डी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे इथेन भी कहा जाता है, C2H2। तो इसका आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपको बोल के रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाउंड्स हैं उनका केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, आप ये सब पढ़ लीजिए, ये सब पूछा जा रहा है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जायगोट कहाँ बनता है, तो फिलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, जितने भी क्वांटिटी हैं सबके आपको ऐसा यूनिट याद रखने हैं, ऐसा यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। सीएम ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। तो भारत के जितने भी राज्य हैं सबके आपको सीएम और गवर्नर दोनों याद रखने हैं। एग्जाम में डेफिनेटली इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आलू किस फैमिली की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलोनेसी फैमिली की है। आगे देख लेते हैं, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो DTO हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, लक्स का यूनिट क्या है, तो लक्स का यूनिट होगा कैंडेला। फ्रेंड्स, फिश में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, तो ये 2 चैम्बर होता है फिश, जिनमें एक होता है आर्ट्रियम, दूसरा वेंट्रिकल्स। फ्रेंड्स, कैलेंडर में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि 29 अगस्त 1982 को कौन सा दिन होता है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, और कैलेंडर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ अपने चैनल पर, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसे समझाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 अगस्त 1982, अगस्त का जो कोड होता है वो होता है 2, तो 29 + 2 + 82 + 20, तो यहाँ पे आप 82 को डिवाइड करेंगे 4 से, जो क्वेश्चन आएगा वो 20 आएगा, और होल डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे करने पे जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, 0 मतलब संडे। तो 29 अगस्त 1982 को कौन सा दिन था, तो संडे था। आगे देख लेते हैं, लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड ऑक्टिव सीरीज, न्यूलैंड ऑक्टिव सीरीज में लास्ट एलिमेंट कौन है, तो वो हो जाएगा थोरियम। आगे देख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कांत्रिक कोण क्या होता है डायमंड का, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.2, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ दे तो हो जाएगा 2.3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 18th ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में 18th ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो इसमें आर्गन गैस होती है। आगे रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, 158, 196, 235 और इसके बाद क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 158 है, तो अगर हर एक नंबर को आप जोड़ेंगे 1 + 5 + 8 तो होता है 14, और 14 का आप स्क्वायर करेंगे तो 196 आता है, मतलब जो 196 है वो इसके आगे का नंबर है, तो वैसे ही अगर 235 को ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे तो 100 आता है, तो इसका आंसर यहाँ पे 100 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज पूछा गया है, तो कूलम्ब इसका आंसर हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, संयोजी ऊतक के संबंधित में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो ग्रुप डी एग्जाम 17 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर दें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ़।